हाय फ्रेंड्स वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस जैसे कि हम जानते हैं एग्जाम काफी पास आ चुका है और रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हम टेन क्वेश्चंस लेके पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, आज का टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड इसमें हम दस क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर उनके मॉडल्स बाइंग प्रोसेस इन सबसे रिलेटेड करेंगे विल सी द्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड विल सी करेक्ट आंसर क्या है चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रिविजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दू अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप डेफिनेटली पेपर वन या फिर पेपर टू कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं आप वो डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करें टाइम हो तो स्नैपशॉट्स देख ले कोर्स वीडियोस देख ले बट कुछ भी हो प्रीवियस पास्ट पेपर्स जितने भी हैं उसको सॉल्व जितने हो सके करने की कोशिश करें चलिए बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ पहला सवाल है व्हाई इज कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस इंपॉर्टेंट उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करना क्यों जरूरी है पहला दिस वे मार्केटर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजंस। मतलब इस तरह से मार्केटर्स ये जान सकते हैं कि कंज्यूमर्स जो चीजें खरीदते हैं वो किन किन चीजों से प्रभावित हैं सेकेंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट आर नीडेड एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्सिट कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है और कौन कौन प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कोई डिमांड ही नहीं रही देन फिल इन द गैप इन द मार्केट मार्केट में अगर ऐसी कोई जरूरतें हैं कंज्यूमर्स की जो अभी तक पूरी नहीं की गई हो तो उनको टैप करना या फिर ऑल ऑफ दिव एग्जाम में बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को समझे कि उसमें पूछा क्या गया है फिर उस पढ़ के, के आप आंसर दें। इस क्वेश्चन में जानना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, उनकी क्या नीड्स है उनके खरीदने का तरीका क्या है ये सब स्टडी करने से मार्केटर को या कंपनी को क्या फायदा होगा तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर्स नोट कर लीजिए। चलिए पहले कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कुछ जान लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर किसी उपभोक्ता के खरीदने के व्यवहार को समझना होता है इसमें यह समझा जाता है कि वो क्या प्रोसेस यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करने में या उसको खारिज करने में और कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर के इमोशनल मेंटल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को मापा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान से समझने से मार्केटर्स ये पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स के खरीदारी के डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और ये अगर फाइंड आउट किया जाए कि ऐसी कौन सी नीड्स हैं कंज्यूमर्स की जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है या मार्केट में अवेलेबल जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनसे वो खुश नहीं है या फिर किन चीज़ों की जरूरत ज़्यादा है या किन चीज़ों की कम है तो ऐसे में ये जो गैप है कंज्यूमर की नीड की और उसको सेटिस्फाई करने का इसे मार्केटर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं ये सब जानना मार्केटर्स की मदद करता है कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इस तरह से प्लान करे जिससे कंज्यूमर्स उनकी ओर आकर्षित हो और उनके ही प्रोडक्ट्स खरीदे सो वी कैन सी कि सारे ऑप्शंस ही सही है जो कि जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस में सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंग डिसीजन विथ लो इन्वॉल्वमेंट परचेजेस विच आर मेड विथ नो प्लानिंग और प्रीवियस एज मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको खरीदने के लिए कंज्यूमर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इंफॉर्मेशन सर्च करने में या बिना किसी प्लानिंग के ही खरीद लेते हैं ऐसे बाइंग को क्या कहा जाता है इज इट इम्पर्स बाइंग रूटीन बाइंग दोनों ही या दोनों में से एक भी नहीं तो अब आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स नोट कर लीजिए फिर हम देखते हैं सही आंसर क्या है कंज्यूमर्स जो भी खरीदते हैं वो उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं टू एन एक्सटेंट कुछ कंज्यूमर्स जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कुछ थोड़ा सोच समझ के टाइम लेके तो एक डिसीजन लेने में कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व है दैट इज उनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है उससे पता पड़ता है कि वो प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंटरेस्ट है उसमें या वो कितना रूटीन में आता है तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डेली या रेगुलरली यूज करते हैं दैट इज रूटीन प्रोडक्ट्स उसके बारे में उन्हें सारी इंफॉर्मेशन है एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए नेक्स्ट टाइम उसे खरीदते वक्त वो उसके बाइंग डिसीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये होते हैं रूटीन बाइंग जिसमें है रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हर बार लंच लेते वक्त कोई पर्टिकुलर ड्रिंक ही ऑर्डर करना क्योंकि वो आपके रूटीन में है फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें आप बहुत थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट देते हैं और उसे बिना किसी प्लानिंग या बिना ज्यादा सोच विचार खरीद लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंपल्स बाइंग मतलब आप विदाउट एनी प्लानिंग बिना ज्यादा सोचे आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं जल्दी से आवेग में आके जैसे जब आपको बहुत भूख लगती है काउंटर के सामने शेल्फ पे आपको एक चिप्स का या बिस्किट का पैकेट दिख जाता है तो आप बिना ज्यादा सोचे वो ले लेते हैं सो द करेक्ट आंसर इज इंपल्स बाइंग जो हम बिना किसी प्लानिंग बिना ज्यादा सोच विचार के खरीदते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर द कंज्यूमर इज हाईली इन्वॉल्व इन द परचेज प्रोसेस बट हैज डिफिकल्टीज डिटरमाइनिंग द बिटवीन ब्रांड्स यही कि बहुत इंफॉर्मेशन गैदर किया इवेलुएट किया अबाउट द प्रोडक्ट मगर अलग अलग ब्रांड्स के सिमिलर प्रोडक्ट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे बिहेवियर को क्या कहा जाता है इज इट डिजोन रिड्यूसिंग बाइंग इज इट कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ज इट हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर या फिर वो वराइटी क्वेश्चन के आंसर अगर सही से नहीं पता हो तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे एंड पॉसिबल उन्हें हटा दे जैसे एक एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन से ये ऑप्शन के वर्ड के मीनिंग से उसको हम समझने के ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जैसे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर यह है कि उसे लेने की हमें आदत है तो ऐसे में कंफ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है तो ये एक एग्जाम्पल था अब आप वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर्स नोट कर लीजिए चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कौन कौन से हैं पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ये वो बिहेवियर है जहाँ ऐसा कुछ खरीदा जाने वाला होता है जो बहुत महंगा है या बहुत ही कम खरीदा जाता है तो ऐसे प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर्स बहुत इन्वॉल्व होके अच्छे से रिसर्च करके इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जैसे कि कार या फिर घर इनको आप ना ही रोज रोज खरीदते हैं ना ही जज्बात में बह के होके खरीदते हैं सो दीज आर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर डिजोनेंस का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद ये तब होता है जब कंज्यूमर को ये परेशानी होती है सोच के कि वो शायद अपने इस चॉइस को बाद में रिग्रेट करेंगे वो श्योर नहीं होते हैं इसमें कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं अपनी बाइंग प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर मगर उन्हें ये दिक्कत हो जाती है कि दो या दो से जो ज्यादा ब्रांड्स उनके सामने हैं उनमें से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा सेलेक्ट करेंगे जैसे हमें अगर एक्सपेंसिव वॉच लेनी हो मोबाइल या लैपटॉप तो बहुत बार हम उन प्रोडक्ट्स के अलग अलग ब्रांड्स में से चुनाव करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस कंसिडर करें स्पीड लुक या दूसरे फैक्टर्स ताकि खरीदने के बाद हमें अफसोस ना हो ये है डिजर्नस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर फिर है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर शब्द से ही समझ आ रहा है कि ये इस प्रोडक्ट को खरीदना हमारी आदत है या हम इसी को प्रेफर करते हैं जैसे ग्रोसरी शॉपिंग में किसी पर्टिकुलर टाइप के ब्रेड से ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लेना इसमें हैबिचुअल पैटर्न है मगर कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं और फिर लास्ट है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर वराइटी सीकिंग इस बिहेवियर में कंज्यूमर्स अलग अलग या नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना पसंद करते हैं so ये जो कंज्यूमर की कंफ्यूजन वाली जो बिहेवियर है बिटवीन ब्रांड्स ये आता है हमारा डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां पे एसर्शन

किसी एक्शन की ओर फिर धीरे धीरे वो स्वाभाविक बन जाता है तो अब आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़िए और अपने आंसर्स नोट कर लीजिए एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने से पहले चलिए देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न क्या है हर कस्टमर का अपना एक अलग और अनोखा बाइंग हैबिट होता है मगर बाइंग बिहेवियर पैटर्न्स वो सामूहिक होते हैं दैट इज द कलेक्टिव जो कि मार्केटर्स को एक यूनिक कैरेक्टराइजेशन ऑफर करते हैं तो हैबिट्स होती हैं वो प्रवृत्तियां जो वक्त के साथ डेवलप करती हैं, जबकि पैटर्न दे शो प्रेडिक्टेबल मेंटल डिजाइन सो ये कहना सही होगा कि बाइंग बिहेवियर पैटर्न और बाइंग हैबिट्स वो समान नहीं है दे आर नॉट सिनोनिमस कस्टमर बिहेवियर पैटर्न जो कि कलेक्टिव है उन्हें ग्रुप किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ परचेज आइटम्स परचेज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज या फिर मेथड ऑफ परचेज सो द करेक्ट आंसर इज ओनली रीजन इज करेक्ट मतलब ये जो रिसोशन था कि बाइंग बिहेवियर पैटर्न आर सिनस विद बाइंग ये गलत है और रीजन ही सिर्फ सही है चलिए आते हैं अगले सवाल पे यहां पूछा गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर में उस परसेप्चुअल यानी अवधारणात्मक प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें बायर्स इंफॉर्मेशन की व्याख्या अपने धारणा के हिसाब से करते हैं दैट इज जो उनके बिलीव्स को सूट करे इज इट सेलेक्टिव अटेंशन सेलेक्टिव डिस्टोशन सेलेक्टिव रिटेंशन या फिर वो है सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन तो अब आप अप अपना टाइम लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए तो देखा जाए तो काफी फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं जिससे बाइंग प्रोसेस भी इफेक्ट होता है जैसे कल्चरल पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल इनमें से साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है दैट इज मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स उनमें परसेप्शन मोटिवेशन लर्निंग एटीट्यूड एंड बिलीफ ये सारे पायस के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और हर इंसान में ये फैक्टर्स वैरी करते हैं इनमें से परसेप्शन या अनुभूति जो है इनमें शामिल होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को चुनना और अपनाना जिनसे एक सार्थक अनुभव प्राप्त हो इसमें कंज्यूमर तीन परसेप्चुअल प्रोसेस से गुजरते हैं पहला है सेलेक्टिव जहां मार्केटर्स बायर्स के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं फिर है सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन जहां पर बायर्स अपने धारणाओं के हिसाब से मिले हुए जानकारियों की व्याख्या करते हैं और तीसरा है सेलेक्टिव रिटेंशन जहां पे मार्केटर्स कोशिश करते हैं कि बायस के धारणाओं को बनाए रखने के लिए वैसी इन्फॉर्मेशन ही दी जाए क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए बिलीफ और एटीट्यूड ही है जो ब्रांड इमेज क्रिएट करता है तो कंज्यूमर के दिमाग में उसका इंटरेस्ट बना हुआ रहना जरूरी है और इस वजह से मार्केटर्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देके के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश और कंज्यूमर्स उसे रिटेन करके रख सके उसकी कोशिश करते हैं हमें बताना था कि कौन सा परसेप्चुअल प्रोसेस है जिसमें बायर्स इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू सूट देयर और करेक्ट आंसर है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन देख लेते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल मार्केटिंग मैन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करता है और इस मॉडल को सिस्टम्स मॉडल भी कहा जाता है तो वो निकोसिया मॉडल है हाउवशेट मॉडल है वेबस्टर एंड विंड मॉडल है या फिर इनमें से एक भी नहीं वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिखना मत भूलिएगा तो चलिए देख लेते हैं कि ये तीन मॉडल्स क्या कहते हैं हाउव मॉडल ये एक अप्रोच है सोशल साइकोलॉजिकल और मार्केटिंग फैक्टर्स के इंपैक्ट को एक साथ एनालाइज करने का और यह समझना कि किस तरह से वो कंज्यूमर्स के बाइंग डिसीजन पे असर डालते हैं जॉन हावर्ड एंड जगदीश शेत ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1969 जो कि डिसीजन मेकिंग के तीन लेवल्स के बारे में बताते हैं एक है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग Then it is limited problem solving. फिर है रूटनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर और इसमें जो फोर सेट्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं यूज में दैट इज इनपुट परसेप्चुअल एंड लर्निंग कॉन्स्ट्रक्ट आउटपुट और एक्सटर्नल वेरिएबल्स उसके बाद है निकोसिया मॉडल इसको डेवलप किया था प्रोफेसर फ्रांसिस्को निकोसिया ने इन दर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स ये मॉडल फोकस करता है फर्म और उसके पोटेंशियल कंज्यूमर्स के बीच के रिलेशनशिप पे। इस मॉडल के हिसाब से एडवर्टीजमेंट सबसे पहले कंज्यूमर के किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे बने पूर्ववृत्ति पे प्रभाव डालते हैं जिससे कंज्यूमर का उन प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप होता है जिसके बारे में फिर कंज्यूमर सर्च करते हैं फिर उसे वैल्यूएट करते हैं मार्केटिंग स्कॉलर्स मानते हैं कि इस मॉडल को बिल्ड किया गया है मार्केटिंग मैं और इसे सिस्टम्स मॉडल भी कहा गया है क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग को एनालाइज किया जाता है एज अ सिस्टम जिसमें एज स्टिमलाय होते हैं इनपुट और ह्यूमन बिहेवियर होते हैं आउटपुट फिर है वेबस्टर एंड विंड मॉडल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर मॉडल माना जाता है जिसे डेवलप किया था एफ ई वेबस्टर और वाई विंड ने यह मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल बायस को इन्फ्लुएंस करने वाली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग सेंटर्स और इंडिविजुअल बाइंग डिटरमिनेंट्स को समझते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं फिजिकल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं पीपल टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर और टास्क पे बाइंग सेंटर इसका जो कांसेप्ट है वो इस फैक्ट पे जोर देता है कि बाइंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों साइड से ही लोग इन्वॉल्वड होते हैं और फिर है इंडिविजुअल फैक्टर्स जहां पे इनको प्रभावित करने के लिए अलग अलग रोल्स मौजूद हैं जैसे यूजर्स इन्फ्लुएंसर्स, बायर गेटकीपर और डिसाइडर तो क्वेश्चन पे आके ये देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया था कौन सा मॉडल मार्केटिंग मैं पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करता है और इसे सिस्टम्स मॉडल भी कहा जाता है सो द करेक्ट आंसर इज निकोसिया मॉडल होप आपने इसका सही जवाब दिया था Seventh question है match the following related. List one में दिए गए हैं वो फैक्टर्स जो कि इनोवेशन को कम्युनिटी में कंज्यूमर्स के बीच फैलाने में योगदान देते हैं और लिस्ट टू में इन फैक्टर्स के मतलब दिए गए हैं आप वीडियो पॉज करके ध्यान से इन दोनों लिस्ट को अच्छे से पढ़िए और इनमें से जो मैचिंग कोड है करेक्ट कोड है वो आप नोट कर लीजिए। सो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये जानना कि किस तरह से एक नई खोज लोगों के बीच फैलता है जो फैक्टर्स इस फैलने की तेजी को बढ़ाता या कम करता है वो है रिलेटिव एडवांटेज जो है ये देखना कि किस हद तक ये इनोवेशन पहले के या दूसरे ऑल्टरनेटिव के तुलना में कितना बेहतर है उसके बाद है कंपैटिबिलिटी। यह है कि किस हद तक इनोवेशन एक इंडिविजुअल की वैल्यूज पसंद ना पसंद नापसंद में फिट हो सकता है फिर है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इनोवेशन को समझना यूज करना कितना मुश्किल या कितना आसान है उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है ट्रायल एबिलिटी यानी इनोवेशन को अपनाने से पहले किस हद तक एक इंडिविजुअल उसका प्रयोग करके समझ सकता है और फिर है मतलब के दूसरे मेंबर्स को इनोवेशन के क्या परिणाम नजर आ रहे हैं so, आपने इसका आंसर सही दिया था और नहीं भी दिया था तो अभी इसको देख लेते हैं समझ तो लिया ही था so the correct option was code 3 that is compatibility is the extent to which an innovation fits an individual's values complexity here the degree to which innovation is perceived to be easy or difficult trialability here the extent to which an individual can experiment with the innovation or relative advantage here डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसी टू बी सुपीरियर टू ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं हमारे एथ क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है James recently purchased a new car, however, now he is worried about whether he made the right decision। एक नई कार खरीदने के बाद जेम्स को चिंता हो रही है कि क्या उसने सही निर्णय लिया है स्टेट ऑफ माइंड को कंज्यूमर बिहेवियर्स ने क्या नाम दिया है वॉट इज इट इज इट परचेस कंसर्न इज इट पोस्ट परचेज इज इट प्रोडक्ट इवेल्युएशन या फिर ये है कंज्यूमर रिवैल्युएशन आराम से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस ध्यान से देखिए अपने एनालिसिस करिए करेक्ट आंसर नोट करके फिर बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ तो देख लेते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के स्टेजेस कौन कौन से हैं तो इसमें पांच स्टेजेस होती हैं। पहला है नीड जहां पे कंज्यूमर को रियलाइज होता है कि उनकी कोई नीड है जिसे सॉल्व या पूरा करना है अगला स्टेज होता है इंफॉर्मेशन सर्च जहां पे कस्टमर इंफॉर्मेशन की तलाश करता है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके या कम से कम नीड को फुलफिल किया जा सके थर्ड स्टेज है इवेलुएशन ऑप्शन इवेलुएशन जिसमें इंफॉर्मेशन सर्च से मिले हुए विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं ताकि सबसे अच्छा सोल्यूशन मिल सके दैट इज टू डिटरमाइन विच इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम फोर्थ स्टेज होता है परचेज डिसीजन जिसमें कंज्यूमर ने प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड से रिलेटेड बेस्ट ऑप्शन निकाल लिए होते हैं और अपना परचेज करने ही वाले होते हैं दैट इज आर रेडी टू पुल द ट्रिगर एंड मेक द परचेज फिर बाइंग प्रोसेस का फिफ्थ स्टेज होता है पोस्ट परचेस इवेल्युएशन मतलब खरीदने के बाद की सिचुएशन इसमें खरीदारी कंप्लीट हो जाती है और अब कस्टमर ये सोचते हैं समझते हैं कि उनका डिसीजन सही रहा या गलत क्या उनकी नीड्स पूरी हुई या नहीं वो सैटिस्फाई होंगे या इसी स्टेज पे आता है पोस्ट परचेज डिजोनेस जब कस्टमर अनईजी या रेसलेस हो जाते हैं परचेज के बाद जिससे या तो वो उस ब्रांड को लेने से रिग्रेट करते हैं या फिर उसको वापस कर देते हैं दैट इज पोस्ट परचेज डिसोनेंस है कस्टमर का स्टेट ऑफ माइंड एंड परसेप्शन एंडप्शन वो उस purchase को लेके काफी अनईजी फील करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में जेम्स भी उसी स्टेट से गुजर रहे थे उसी वरी से गुजर रहे थे कि क्या उनका ये डिसीजन सही था कार खरीदने का जो कि है पोस्ट परचेज डिजोन अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जानना चाहते हैं कि बच्चों की उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है जिसमें वो मार्केटर्स के मैसेजेस या फिर उनके एड्स देख के सुन के बहुत जिद करते हैं रोते हैं उस एडवरटाइज चीज को लेने के लिए दैट इज अनिल रिक्वेस्ट एडवरटाइज आइटम्स उसको क्या कहते हैं इज इट परचेज अ पावर इज इट इन्फ्लुएंस अ पावर ज इट बेस्ट अ पावर या फिर यूज अ पावर वीडियो को पॉज करिए क्वेश्चन को समझिए और सही आंसर नोट कर लीजिए देखा जाए तो परचेज डिसीजन या तो ग्रुप्स द्वारा ली जाती है या फिर इंडिविजुअली अलग जब परचेज डिसीजन एक छोटे ग्रुप जैसे हाउस होल्ड या एन टी टी के अलग मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें तो इन सब में जो मेंबर्स हैं वो बाइंग प्रोसेस के अलग स्टेजेस में कोई ना कोई रोल परफॉर्म करते हैं सो so, वो कौन कौन से रोल हैं जो बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से पहला है द इनिशिएटर। वो होते हैं जो कोई ब्रांड या प्रोडक्ट प्रपोज करते हैं इन रिटर्न ऑफ समथिंग फिर है इन्फ्लुएंसर वो है जो किसी एक ब्रांड की सिफारिश करते हैं फिर है डिसाइडर वो है जो फाइनली परचेज डिसीजन लेता है परचेजर वो होते हैं जो उस चीज को खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं या खुद खरीदते हैं और फिर है यूजर वो जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर परचेज डिसीजन में ये सारे रोल्स प्ले होते हैं मगर जरूरी नहीं है कि सेम इंडिविजुअल्स ही ये रोल्स प्ले करें। और ऐसे में अगर इन्फ्लुएंसर की रोल की हम बात करें तो बच्चों की अहमियत भी बहुत ज्यादा है बहुत बार मार्केटर्स इस तरह से मैसेजेस एड्स डिजाइन करते हैं जो डायरेक्टली बच्चों पे टारगेटेड होता है और फिर उन एड्स को देख के बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि किसी भी हाल में उनको वो चीज़ दिलवाई जाए इसे कहा जाता है पेस्टर पावर या फिर नैग फैक्टर मतलब तंग करना इस हद तक अपने पेरेंट्स को या परचेजों को कि वो वो चीज उन्हें खरीद के दे दें तो बच्चों की इस तंग करने की आदत को और कुछ नहीं ऑफ पावर कहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के रिवीजन के आखिरी सवाल पे यहां पे पूछा गया है परचेज डिसीजन में इस्तेमाल होने वाले या उत्तेजित करने वाले प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट जो करता है वो कौन सा कंसेप्ट है इज इट ब्लैक बॉक्स इज इट ग्रे बॉक्स ग्लास बॉक्स या फिर ये सारे ही जल्दी से वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन को पढ़िए और अपने जवाब नोट कर लीजिए चलिए देख लेते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को जो फाइनल कंज्यूमर है उसके बाइंग बिहेवियर कई सारे फैक्टर से प्रभावित होते हैं यही फैक्टर्स या विशेषताएं जो बताते हैं कि क्या चल रहा है कंज्यूमर के दिमाग में या क्या चल सकता है वो सब होता है इन दिस सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स ऑफ द कंज्यूमर और ये जो बायर का ब्लैक बॉक्स है ये कहा गया है कंज्यूमर के दिमाग को

ये सारे फैक्टर्स जो उन्हें उत्तेजित करते हैं इन सबको पढ़ा और समझा जाता है मतलब ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कोर्गनेटिव एंड इफेक्टिव प्रोसेस यूज बाय अ कंज्यूमर ड्यूरिंग अ परचेज डिसीजन सो हमें पता है कि करेक्ट आंसर इज ब्लैक बॉक्स मगर जो बाकी दो तो वर्ड्स थे ग्राइब बॉक्स और ग्लास बॉक्स क्या उनका कोई मतलब है हाँ, ग्राइब बॉक्स होते हैं ग्रीवेंस से रिलेटेड और वाइट बॉक्स या फिर ग्लास बॉक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं तो आई होप आपको सारे टेन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए हैं और आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड्स की पेशेंटली आपने सारे क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व किए अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा और अगर आपका कोई दोस्त कोई फ्रेंड अगर प्रिपेयर कर रहा है इतने कम टाइम में प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा फॉर एनी क्वेरीज कोई भी डाउट अगर आपको हो तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.everstudy.co.in या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं गुड बाय स्टडी वेल